जिला पुलिस मुख्य फतेहगढ़ साहिब श्रीमती अमनीत कोंडल की अगुवाई हेठ समाज विरोधी अंसर विरुद्ध उस समय सफलता हासिल हुई जो पुलिस वालों लगाए एक नाके के सीएएस स्टाफ इंस्पैक्टर एक मुखबर ने इतलाह दी कि फतेहगढ़ साहिब के इलाके में एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला वह एक हथियार नाल इलाके में घूम रहा। उन्होंने कहा कि कथित दोषी हूँ तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला और हूँ यह टिब्बा लुधियाना विखे किराए पर रहा है। यह जानकारी एस पी सरदार जगजीत सिंह जल्लां ने जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे मीडिया नाल गैर रस्मी गलबात करते दी। उन्होंने दसिया कि इंस्पैक्टर ने पुलिस पार्टी समेत उक्त कथित दोषी को काबू किया। उन्होंने दसिया कि काबू किए कथित दोषी विरुद्ध पहला भी आई पी सी दख धारावं 382 365 306 अधीन 3 थाना टिब्बे विखे केस दर्ज हैं। एस एस पी फतेहगढ़ साहब के हुक्म अनुसार अलग अलग थाने ते सी आई ए की जी नाकाबंदी हर रोज़ की जाती है। एक मुखबर खास ने सी इंस्पैक्टर गब्बर सिंह नूं इतलाह दी कि जिहड़ा कि फतेहगढ़ साहब के एरिए नदीम पुत्र यूनिस मल यूपी का रहने वाला जिहड़ा कि एक हथियार के नाल इत्थे घूम रहा, इन्होंने एक नाकाबंदी करके तो उन्हों काबू किया। जिहड़ा कि वह रहने वाला यूपी का पर वह किराए पर टिब्बा लुधियाने जिले च पैंदा उत्थे रहिंदा सीगा। तो उहदे कोलों नाकाबंदी दौरान एक 32 बोर पिस्टल ते 5 जींदे जिहड़े रौंद बरामद किए। पहला उहदे ते तकरीबन 3 परचे दर्ज ने अलग अलग धारा दे विच, जिवें 382 ते 365 ते 306 आई पी सी। एक यानी कि क्रिमिनल बंदा इस जिहड़े तिन्ने मुकदमे ने लुधियाने टिब्बा थाणा पैंदा उहदे च दर्ज ने। इहदी पुछगिछ दे दौरान दो बंदे जिहड़े कि होर नामजद किए गए ने, वो जिहड़े बंदे ने उहनां ते वी जिहड़े कि लहदा लहदा धारावां च परचे दर्ज ने। हुण दौराने तफतीश जिहड़ी कि अगे गल सामने आऊगी उहनां नूं लिया के प्रोडक्शन वारंट ते, क्योंकि वो उहनां वो जिहड़े दोनों बंदे ने वो जेल च ने, तो उन्होंने लिया के जिहड़ा कि होर भी अगे कोई अहिजा जिहदे कोई अहिजा कोई असला है तो उन्होंने भी काबू करके जी कोई अगली गांह कार्रवाई लाने लिया जाऊ।